हो सकता है यहाँ ना टीचर्स मुर्गा बन गए थे जी स्कूल और मैं भी जा रही हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ कुछ यूं है दोस्तों कि आज यहाँ पर जो है ये सुबह का टाइम है तो मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। तो मुझे आज लेके जाना है हमारे यहाँ पर पास में ही हमारी एक मस्जिद शरीफ तैयार हुई है और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं जो उसमें काम करने वाले कारीगर हैं 3-4 लोग हैं वो लोग उनके लिए मैं बना रही हूँ जी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं उनके लिए बना रही हूँ जी छोले भटूरे, ठीक है ना। तो छोला तो मैं बना चुकी हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है और यहाँ पर मैं भटूरे तल रही हूँ और मेरे भटूरे भी देखिए आप कितने अच्छे से फूल रहे हैं और फूले फूले और बहुत नरम और बहुत मज़े के बने थे जी भटूरे भी। तो घर में भी जब बाद में सबने खाया तो सबको मतलब जो है पसंद आया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आज मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट ले जा रही हूँ इसलिए मैं लगी हूँ जी आज सुबह सुबह किचन में। और फिर जो है जब ये रेडी हो जाएंगे ना फिर मुझे छोलों में थोड़ा सा काम बाकी है आखिर में तो उसको कम्प्लीट करूँगी और फिर उसके बाद में मैं ये भिजवाऊँगी जी मस्जिद शरीफ में, ठीक है ना। और फिर इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको मस्जिद शरीफ की भी सैर कराऊंगी और बहुत ही खूबसूरत बना है जी। और मैंने छोलों के साथ खाने के लिए भटूरों को तो तैयार कर दिया था और यहाँ पर जो है मैं प्याज और जो है हरा धनिया और हरी मिर्च और नींबू को काट रही हूँ। और देखिए मेरे यहाँ गेस्ट भी आए हुए थे, हमारे मोहम्मद है, ये मोहम्मद आए हुए थे। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैंने हरा धनिया हरी मिर्चें और प्याज को बारीक बारीक काट दिया है और नींबूओं के मैंने 4-4 हिस्सों में काट दिए हैं, 4-5 हिस्सों में, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये मेरे भटूरे बिल्कुल रेडी है और बस बहुत मतलब अच्छा बना था। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस उसमें डाल दिया है बर्तन में। तो अब मैं तैयार करती हूँ जी छोले को। छोले को जो है लास्ट टच देना बाकी है, उसमें मुझे कटे हुए प्याज हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्चें और नींबू उनको डालना है। तो मैंने यहाँ पर अपने ब्रेकफास्ट के लिए हमारे लिए थोड़ा सा निकाल दिया और अब इस प्रेशर कुकर में जो है मैं ये डाल रही हूँ जो मैंने काट के रखा हुआ था। तो इनको डालने के बाद में फिर मैं इसको मिला दूँगी, ठीक है ना। और जो छोले हैं ना वो बहुत मज़े के और बहुत ही मस्त बने थे तो घर पर भी सबको बहुत पसंद आया और जो हम जिनके लिए बनाया है ना इंशाल्लाह उनको भी पसंद आएगी। और अब जहाँ यहाँ पर मैंने छोला रेडी कर दिया है और अब मैंने जो है बर्तनों में डाल दिया है जी भटूरे को भी। तो बस अब मैं भिजवा देती हूँ और हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जूली, नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं जी नीलू बल्ती किचन फ्रॉम लद्दाख। और देखिए दोस्तों इस टाइम जो है मैं अपने घर का सारा काम निपटा चुकी हूं और आपको मैं दिखाती हूं। यहां पर देखिए घर पर लॉक लग चुका है और अरहान भी जा चुका है जी स्कूल और मैं भी जा रही हूँ और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और मैं इस टाइम जा रही हूँ जी ड्यूटी पर और अरहान को भेज दिया है। और मेरे हस्बैंड पता है दोस्तों कल गए हैं लेह, क्योंकि वो 2-4 दिन के लिए लेह गए हैं, वहाँ पर हमारे एक रिलेटिव की शादी थी तो उसे अटेंड करने गए हैं और वो आ जाएंगे 2-4 दिन के बाद। और आज जो है अरहान की स्कूल की छुट्टी है तो वो मेरे साथ जा रहा है। की बात कर रहे थे एक दिन, वो क्या कह रहे थे? कौन कह रहे थे? वो आप पिकनिक पे कोई ले जाएगा ऐसा बोल रहे थे। हमारा स्कूल जाएगा ना पिकनिक, फिर हम आपको भी लेके जाएंगे अपने साथ। आज? आज नहीं, अभी कुछ दिनों के बाद। आज अरहान भी जा रहा है मेरे साथ में, है ना। क्या हुआ था आपके टीचर डे में? बल्कि ना टीचर्स मुर्गा बन गए थे सच में। हाँ, नकली टीचर्स ने बनाया था और बाद में ना असली टीचर्स ना पिकनिक की डिमांड कर रहे थे, वो लोग आज पिकनिक के रहे हैं। जबकि और साहब में ना वो नकली मास्टर आबिदीन ने बोला कि ना कौन बना था नकली मास्टर आबिदीन का चिप्पो। और फिर ना उन्होंने बोला ना कि ये पिकनिक था मज्जू ऐसे बोला। अच्छा, मतलब पिकनिक डालेंगे हम लोग, पिकनिक ले जाएंगे यानी कि, है ना। चलो फिर अब
आज अरहान भी जा रहा है मम्मा के साथ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पर बकवीट के फ्लावर्स खिले हुए हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है हमारा विलेज। मम्मा हाँ जी, आज टीचर डे है तो अरहान भी जा रहा है मेरे साथ मेरे स्कूल में। चले गए होंगे अब तो सारी गाड़ियां, पैदल ही जाना पड़ेगा अब तो। और हम लोग पहुंच चुके थे जी स्कूल, और यहाँ पर पहुंचा तो देखा कि सारे बच्चे ज़ोर शोर से तैयारी में लगे हुए थे क्योंकि आज था जी टीचर डे। तो सब लोग बड़े खुश थे हमारे बच्चे, और सब एक ने जो है एक दूसरे को विश किया टीचर डे की जो है बधाइयाँ दी, और फिर जो है सब तैयारी में लग चुके थे जी टीचर डे की। और जो हमारा पूरा स्टाफ है वो भी बस रेडी था टीचर डे मनाने के लिए। और टीचर डे की डे था ना, तो आज टीचर डे के दिन भी जो है बच्चों ने भी और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया और बहुत ही खूबसूरती से मनाया। और जो है बच्चों ने बहुत सारे सरप्राइज़ रखे हुए थे हम सब के लिए। और जो है आज हमारी मैडम डिस्किट ने जो हमारा बलती ट्रेडिशनल जो हमारा ड्रेस होता है उसे पहना था, तो इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी। वाओ कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे, नजर ना लगे इस भैया माशाल्लाह। हमारी हमीदा सबको बारी बारी से पहना रही है बड़ी ड्रेस और सब फोटो खिंचवा रहे हैं। थैंक यू मैडम। तो हम और यहाँ पर ना हमारे बच्चे बहुत खुश थे, और अब यहाँ पर केक भी आ चुका था, और अब हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पहुँचा हुआ है। तो हमारी प्रिंसिपल मैम काटेंगी जी केक और जी सेलिब्रेट करेंगे जी आज। और यहाँ पर ना हमारे बच्चों ने जो है अपना अपना सबने टैलेंट भी दिखाया, और जो है आज के टीचर डे में सबने बहुत डांस वांस भी किया और बड़ा मज़ा आया। और अब यहाँ पर जो है केक कटने वाला है, तो देखिए मेरे बेटे ने भी डांस किया था, उसको आता नहीं था फिर भी कर दिया उसने थोड़ा बहुत। तो फिर ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर देखिए जो है हमारा आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू है, और आप लोग इन्जॉय कीजिए, ठीक है। Thank you.
पीछे होके बैठ और यहाँ पर ना अरहान ने बहुत अच्छा डांस किया था और सब बहुत हंस रहे थे और बहुत मज़ा आया। और अब हो चुका था जी लंच का टाइम, तो हमारे बच्चों ने जो है लंच भी रेडी किया हुआ है सबके लिए। तो अब हम जा रहे हैं जी इस साइड में, यहाँ पर जो है इस रूम में जो है लंच का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, तो यहाँ पर जा रहे हैं। तो हम लोग अपना लंच वंच कर देते हैं दोस्तों, और इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना याद रखिएगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह। हमारे आबिदीन सर को बहुत भूख लग रही है, हाँ, अरहान डांस करके थक गया ना इसलिए। सबको बड़ी भूख लगी है, सब वेट कर रहे हैं खाने के वेट में, सब लोग अभी तक सर्व नहीं किया है। हमारे बच्चों ने बनाया है खाना, बहुत अच्छी आ रही है, आप खा के देखेंगे कैसा है।